अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज के आपके लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ग्लास इफेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले जो हम मिरर इफेक्ट सीख चुके हैं, मिरर में हम मिरर की रिफ्लेक्शन को जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें जो एक प्रॉपर जो मटेरियल्स होते हैं जो सिर्फ ग्लास इफेक्ट्स के होते हैं, उनको कैसे जो है हम अप्लाई करते हैं, उनको हम कैसे यहाँ पे शो करवाते हैं, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक ग्लास है और एक ये बॉटल है। तो इसके ऊपर जो है हम अब हम इफेक्ट लगाएंगे ग्लास का, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैंने अपने ग्लास को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगी, और असाइनिंग मटेरियल में मैं जाऊँगी। असाइनिंग मटेरियल में जाकर मैंने लैम्बर्ट वगैरह किसी ऑप्शन में नहीं जाना, मैं यहाँ पर जाऊँगी आर्नल्ड में, ठीक है। दिस इज सेम एज लाइक जिस तरह से हमने मिरर इफेक्ट को जो अप्लाई किया था, इसमें हम जाएंगे आर्नल्ड में और हम जाएंगे एआई स्टैंडर्ड सरफेस में। एआई स्टैंडर्ड सरफेस में गए, यहाँ से मैं अपना एट्रीब्यूट एडिटर जो है उसको ओपन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एआई स्टैंडर्ड सरफेस 4 का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे हमारे पास ये बार्स होती हैं, बेस, स्पेकुलर, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी बेस में जाएंगे। बेस में जाकर जो है हमने यहाँ पे जिसका वेट है इसको हमने कर देना है 0, बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि जो ग्लास होता है उसका कोई वेट नहीं होता, ठीक है ना, और ना ही उसका कोई कलर होता है, इसलिए हम उसके कलर को भी 0 पे कर देंगे। बेस में जाकर हमने इसके वेट और कलर को दोनों को हमने 0 पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद नीचे हम जाते हैं स्पेकुलर में, तो स्पेकुलर में हमने किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं छेड़ना, वो जैसे ही मैनुअल इसकी सेटिंग है हम उसी सेटिंग पर ही रहेंगे। इसके बाद नीचे हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है ट्रांसमिशन का, ठीक है। ट्रांसमिशन में जाकर हम अपने वेट को इनक्रीज़ करेंगे, हम जितना अपने वेट को इनक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि जैसे मैंने वेट को इनक्रीज़ किया तो यहाँ पर मेरा ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मैं दोबारा गई हूँ ट्रांसमिशन में जाके, इसको मैं कर रही हूँ इंक्रीज़, जितना मैं इसको वेट को इंक्रीज़ कर रही हूँ उतना इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है। तो मैं इसको तकरीबन इतना जो है ये आप अपने लिहाज से कर सकते हो, जितनी भी आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मैंने इसको 0.656 तक कर दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपनी रिवॉल्व सरफेस में जाते हैं, यहाँ में हमें ऑप्शन मिलता है ये आर्नल्ड का। पहले हम थे एआई स्टैंडर्ड सरफेस में, ठीक है, अब हम जा रहे हैं रिवॉल्व सरफेस शेप, इसके जो प्रीवियस ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है, शेप वन में। यहाँ पे मैं गई हूँ तो नीचे मेरे पास यहाँ पे मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आर्नल्ड का, ठीक है, जैसे एंटीक होता है, आपको उसको तो ये जो है ये ऐसे एंटीक होता है आर्नल्ड, इसको आप जब टिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे ओपैक का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये ओपैक को आपने एंटीक कर देना है, ये ऑलरेडी टिक होता है, मैन्युअली आपने इसको एंटीक कर देना है, ठीक है, बस इतना सा आपने करना है। उसके बाद हम वापस अपने आई स्टैंडर्ड सरफेस फ्लोर में चले जाएंगे, बस ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। अब मैं ज़रा यहाँ पर अपने आर्नल्ड में जाती हूँ,
कॉर्नर रेंडेवू से स्कूपिंग करके हम देखते हैं कैसा हुआ है। तो ये आप देख रहे हो, इसमें ग्लास इफेक्ट जो है वो हमारा आ गया है। इसमें ये शेड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो शेड्स आ रहे हैं ये ग्राउंड का शेड आ रहा है और ये पीछे जो बिल्डिंग है उसका शेड आ रहा है। तो ये हमारा ग्लास इफेक्ट जो है वो इस पर अप्लाई हो गया हुआ है। इसको मैं ऑफ करती हूँ। यहाँ पर हम अपनी जो बॉटल है इसको मैं अब ऑफ करती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बॉटल को सिलेक्ट करती हूँ, उसी तरह से सेम एज लाइक आके राइट क्लिक करके असाइन यू मटेरियल, आर्नर में जाकर एआई स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पे एआई स्टैंडर्ड सरफेस में हम गए। हमारे पास इसकी जो बेस है हमने वेट को जीरो किया है, इसके कलर को भी हमने जीरो कर दिया है, ठीक है। स्पेकुलर में सेम वही पोजिशन रखनी है, हमने इनको नहीं छेड़ना। ट्रांसमिशन में जाके इसके वेट को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पे हम इसके ऊपर अगर हम कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम किसी कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ट्रांसमिशन वाले बार में अपने वेट को जो है वो बढ़ा दिया और यहाँ पे जो मुझे कलर का ऑप्शन मिल रहा है इस पर मैं क्लिक करके कोई भी कलर इसको दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरह से ये आ रहा है, ये ग्लास का मैरून टाइप का शेड आ रहा है। अब हम आर्नर में जाके इसको देखते हैं। अच्छा, उसमें इतना ज़्यादा जो है वो फील नहीं हुआ। हम यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने सेलेक्ट किया है, सॉरी, इसके ओपेक को हमने अनटिक किया है, अनटिक नहीं किया था इसको हमने, इसको हमने अनटिक कर दिया। फिर स्टैंडर्ड सरफेस में नया और कलर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब चेक करते हैं, अच्छा इसमें आप देख रहे हो कि इसमें थोड़ा सा वाइटिश शेड आ गया है, थोड़ा सा ये वाइटिश लग रहा है। इसको मैं क्रॉस करती हूँ, यहाँ पे जो है मैं इसको दोबारा से डिक्रीज कर देती हूँ। फिर आने पे जाते हैं, तो इस तरह से जो है हम इजीली ग्लास इफेक्ट को जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, और इवन कि हम उनको कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आज का लेक्चर था वो यही था कि हाउ टू अप्लाई अ ग्लास इफेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।